बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस पॉइजन को रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है ओपियम, या उसको मॉर्फिन भी बोलते हैं, या उसको उर्दू में हम अफीम बोलते हैं। इस पॉइजन को तैयार करने वाले हैं। वंस अगेन आपको बता देता हूँ, हम जो जिस स्पेशल पॉइजन को हम स्टार्ट करते हैं वो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करते हैं, हम जिन पॉइजन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं आप उन्हीं को अपनी किताब के ऊपर मार्क कर लेना एज अ मेजर पॉइजन, बाकी जो पॉइजन होंगे वो माइनर हो गए। ठीक हो गया। तो 3 से लेकर 4 पॉइजन रहते हैं जो भी मेजर वाली कैटेगरी से आते हैं, तो उनको अपन वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसके बाद माइनर पॉइजन की तरफ चलेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि माइनर कौन सी है, मेजर कौन सी है लास्ट में। आज के इस वीडियो के अंदर हम ओपियम या मॉर्फिन को कवर करने वाले हैं। ओपियम के भी क्रॉनिक और एक्यूट पॉइजनिंग होती है, जिस तरह मेटालिक इरिटेंट्स की होती थी जिसमें लेड आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, कॉपर आ जाता है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो ओपियम है वाइट पॉपी प्लांट से डिराइव किया जाएगा। ओपियम के सीड्स जिनको आप खशखाश बोलते हो उसके अंदर कोई ओपियम नहीं होता, बल्कि ये लीव से डिराइव्ड होता है, वाइट पॉपी प्लांट से। इसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो एल्कलॉइडल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेनेंथ्रीन ग्रुप, और दूसरा होता है आइसोक्विनोलोन ग्रुप होता है। जो फेनेंथ्रीन ग्रुप होता है उसी ग्रुप की वजह से मॉर्फिन के पास नारकोटिक प्रॉपर्टी आती है। इसके अंदर मॉर्फिन आ जाते हैं, कोडीन है, थीबेन है, दूसरे सिंथेटिक डेरिवेटिव आ जाते हैं, लेकिन आपने मॉर्फिन का नाम याद रखना है। दूसरा आइसोक्विनोलोन ग्रुप होता है, आइसोक्विनोलोन ग्रुप ये वो ग्रुप है जो ओपियाइड्स को एनर्जेटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। जबकि नारकोटिक एक्टिविटी फेनेंथ्रीन ग्रुप से होती है। अगर हम साइन सिम्टम को देखते हैं तो आपको पता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव ओपियाइड या ओपियम है वो होता है मॉर्फिन। ठीक है, तो हम मॉर्फिन को रेफरेंस के तौर पर लेकर चलेंगे। ओके, अब जो मॉर्फिन का इफेक्ट होता है सीएनएस के ऊपर वो बाइपोलर इफेक्ट होता है। बाइपोलर इफेक्ट में ये होगा कि सबसे पहले ये सीएनएस को स्टिमुलेट करवाएगा, फिर इसके बाद सीएनएस को डिप्रेस करवाना शुरू कर देगा। अगर सीएनएस का डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि बंदा कोमे में भी जा सकता है, तो पहले स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, दूसरा स्टेज ऑफ स्टुपोर जिसमें बंदा डल होना शुरू हो जाएगा, फाइनली स्टेज ऑफ नार्कोसिस जिसमें बंदा कोमे में चला जाएगा। ओके, अब सबसे पहले जो स्टेज होती है वह स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, जो इनिशियली देखने को मिलती है। इस स्टेज के अंदर यूफोरिया होता है, हेलुसिनेशन होती है, लाफ्टर होता है, टैकीकार्डिया, यानी इन शॉर्ट बंदे का जो ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट होता है और एक्साइटमेंट होती है कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टेज ऑफ स्टुपोर जिसमें बंदा ऐसा डल होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, कि बंदा थकावट महसूस होना शुरू हो जाएगी, सर में दर्द होगा, सेंस ऑफ वेट है, गिडीनेस है, सेंसिबिलिटी कम हो जाएगी, बंदा गहरी नींद में जाना शुरू कर देगा, जिसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस अप्लाई करोगे तभी उठ सकेगा। प्यूपिल इस स्टेज के अंदर कॉन्स्ट्रक्टेड होते हैं, लेकिन जब नारकोटिक स्टेज आ जाएगी तो प्यूपिल पिन पॉइंट हो जाएंगे। आपने वर्ड याद रखना है, पिन पॉइंट प्यूपिल। ठीक हो गया, या उसको डायलेटेड प्यूपिल वगैरह भी आपने याद रखना है। इस केस के अंदर प्यूपिल कॉन्स्ट्रक्टेड होते हैं, लेकिन इस केस के अंदर प्यूपिल पिन पॉइंट डायलेटेड हो जाते हैं। ओके, इस केस के अंदर फेस और लिप्स के साइनोसिस होते हैं, रीचिंग सेंसेशंस होती है। ओके, तो आपने स्टेज को थोड़ा सा आपने क्या कंपेयर करना है, जैसे चिल्ड्रन के अंदर कन्वर्जन हो सकती है फर्स्ट स्टेज के अंदर, लाफ्टर, एक्साइटमेंट, बाकी जो हेडेक होगा, बंदा ऐसा डल होना शुरू हो जाएगा स्टेज के अंदर। ओके, अब जो प्यूपिल होते हैं इसमें कॉन्स्ट्रक्टेड और डायलेटेड, पता नहीं इनके दरमियान वाली कुछ चीज़ होती है, उसको बोलते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल होते हैं। ओके, पिन पॉइंट प्यूपिल, और ये वाला प्यूपिल होता है इसके अंदर कोई लाइट रिफ्लेक्स नहीं होता, तो ये नारकोटिक स्टेज को बताता है। नारकोटिक स्टेज मतलब बंदा कोमे में चला गया है। इसमें मसल्स की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, मसल रिलैक्सड हो जाती है, हमारे रिफ्लेक्सेस एबॉलिश हो जाती है, हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, साइनोसिस है, शीन स्ट्रोक्स, ब्रीथिंग देखने को मिल सकती है। प्यूपिल सेमी कॉन्स्ट्रक्टेड या सेमी डायलेटेड पिन पॉइंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप फेटल डोज की बात करते हो तो फेटल डोज के अंदर आपने 200 मिलीग्राम या 2 ग्राम्स ऑफ ओपियम को याद रखना है, 200 मिलीग्राम या 2 ग्रेन्स ऑफ ओपियम। फेटल पीरियड इसका 45 मिनट पौना घंटा होता है। इसको याद करने का तरीका ये है कि जैसे ही आपको पता है ना कि हमारा जो लेक्चर्स होते हैं वो 45 मिनट्स के होते हैं, और अगर ज़्यादा ले लें तो बंदा कोमे में चला जाएगा, तो इसी तरह 45 मिनट्स आप याद रख लेना। वैसे यूएल पीरियड 9 से लेकर 12 आवर्स है। ट्रीटमेंट को देखें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने जो भी ट्रीटमेंट होता है तमाम स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में आपने सबसे पहले लिखना है कि आपने जहाँ पर अगर बंदा अनकॉन्शियस हुआ है तो वहाँ से उसको रिमूव करवाना है। ठीक है, यानी जो पॉइजनिंग वाले एरिया से। दूसरा काम आपने ये करना होता है कि आपने उस पेशेंट के ABC को स्टेबलाइज करना है, ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन। फिर आपने डीकंटैमिनेशन परफॉर्म करनी है। डीकंटैमिनेशन अगर इंजेस्ट किया तो स्टोमक या गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म कराना, टैप वाटर्स वगैरह से। ठीक हो गया। ओके, इसकी गैस्ट्रिक लैवेज कहते हैं, गैस्ट्रिक लैवेज उस वक्त करना चाहिए जब ड्रग इज इंजेक्टेड हाइपोडर्मली, यानी जब ड्रग स्किन से इंजेक्ट कर ली गई है। ओके,
इस केस के अंदर, बस आप इसको याद रख लेना इस केस के अंदर। और जो इसका जो एंटीडोट होता है वो नाल्ट्रेक्सोन, आपने सुना होगा मिथाइल नाल्ट्रेक्सोन ओपिएट्स के नैलॉक्सोन्स होते हैं। जो नैलॉक्सोन्स होता है ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसके अलावा आपको बताया कि जो ओपिएट्स होते हैं ये हाइपोथर्मिया कॉज कर देते हैं। अगर हाइपोथर्मिया हो गया तो इस केस के अंदर गैस्ट्रिक लेवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, और अगर हाइपोथर्मिया हो गया तो बॉडी को वार्मथ वगैरह, बॉडी को थोड़ा गर्म करना शुरू कर देना। ओके, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन प्रोवाइड करनी है। क्यों? अगर रिस्पायरेटरी रेट खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मेडुलरी सेंटर होता है उसने रिस्पायरेशन को भी कंट्रोल करना होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें होती है। बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक या साइकियाट्रिक नर्सिंग केयर होता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस के अंदर आपने दो बातें याद रखनी होती है, एक्सटर्नल या इंटरनल फाइंडिंग। एक्सटर्नल जो आपको नजर आ सकती है, पहला ओपीआईड की जो स्मेल होती है उसको परसीव कर सकते हैं। फेस के ऊपर साइनोसिस है, एस्फिक्सिया वगैरह देखने को मिल सकता है, ठीक है। और साइनोसिस की वजह से आपको पता है कि जो पोस्टमार्टम लेविडेट की आएगी वो डीप ब्लैकिश कलर की आएगी, नेक इवन इनगॉच और डिस्टेंडेड आ जाएगी, वंस अगेन एस्फिक्सिया की वजह से, और नोज और माउथ से फ्रॉथ झाग निकलना शुरू हो जाएगा। इंटरनली देखें तो स्टोमक के अंदर आपको ओपीआईड मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रैकिया ब्रोंकाई, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है ब्रेन के अंदर सेरेब्रल एडिमा, और ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्री लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा होगा। ओके, तो आपने एडिमा को याद रखना है। जो ब्लड होगा वो फ्लूइड इन नेचर होगा और डार्कर इन कलर होगा। मेडिकोलीगल आस्पेक्ट के अंदर हमेशा तीन चीज़ें आती है, एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल। नॉर्मली जो ओपीआईड्स होती है सुसाइडल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ द पॉइजन ऑफ चॉइस, क्योंकि इसकी वजह से पेनलेस डेथ हो जाती है। एक्सीडेंटल और होमिसाइडल काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। इसके अलावा इन्फेंटिसाइड के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, तो इन्फेंटिसाइड और सुसाइड का आपने याद रखना है। तो ये तो बात होगी एक्यूट पॉइजनिंग की। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक पॉइजनिंग की, जो बंदा वक्फे से लेता रहता है, तो जिसकी वजह से टॉलरेंस वगैरह डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है। क्रॉनिक ओपीएम पॉइजनिंग या मॉर्फिन की पॉइजनिंग, जिसको ओपीएम एडिक्शन बोलती है, या इसको मॉर्फिनोमेनिया बोलते हैं या मॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, यानी जो क्रॉनिक इंटेक करते होते हैं मॉर्फिन को या ओपीएम को एज ए मेडिसिन के तौर पर भी ले सकते हैं, या एफ्रोडियासिक एजेंट की जो सेक्सुअल प्लेयर वाला एजेंट के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या चेंजेस आएगी? फिजिकल डिजनरेशन के अंदर इमेसिएशन आ जाएगी, लॉस ऑफ मसल एंड फैट मास कम हो जाएगा, स्किन अल्सरेशन है, मेंटल सिम्टम आ सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को कभी नहीं भूलना, हुआ है एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। एब्स्टिनेंस सिंड्रोम इस तरह से आता है कि अगर आप किसी ड्रग को छोड़ते हो, लेकिन आप जिस ड्रग पर डिपेंडेंट हो गए हो और इसको छोड़ते हो, तो ड्रग छोड़ने के बाद उस ड्रग के ऑपोजिट साइन सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्वेटिंग है, लैक्रिमेशन है, रिनोरिया है, यॉनिंग देखने को मिलती है, प्यूपल की डायलेशन हो जाती है, वैसे ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है, मियोसिस करवाते हैं ओपीआईड्स वगैरह। इसके अलावा आपको एक इंटरवीनिंग पीरियड देखने को मिलता है, टॉसिंग शेकिंग वाला, रेस्टलेस स्लीप वाला, जब बंदा उठता है तो फिर एंजाइटी या लैक्रिमेशन है, वीकनेस होती है, यानी तो दवाई छोड़ने के बाद उसको ट्रेमर्स वगैरह, सीजर्स, कन्वलियन, सब चीज़ें पड़ना शुरू हो जाती है, वेट लॉस है, डिहाइड्रेशन है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, इन सबको बोलते हैं एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। और ये कब ठीक होगी? जब आप उसी ड्रग को दोबारा ले लोगे। जब ये कहते हैं कि ओपीआईड्स को जब छोड़ते हैं तो बहुत आहिस्ता करके स्लोली हम इसको रिमूव करवाते हैं, सडन रिमूव नहीं करते, ठीक हो गया, सडन रिमूव करेगा तो एब्स्टिनेंस सिंड्रोम आ जाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ओपीआईड्स को पढ़ा है, एक और पॉइजन वगैरह को कवर कर लेते हैं, वो है धतूरा। धतूरा के दो वैरायटीज होती है, पहला धतूरा अल्बा, अल्बा को बोलते वाइट, और नाइग्रा का बोलते हैं पर्पल कलर। तो जो धतूरा अल्बा होते हैं इसके फ्लावर वाइट बेल है, और धतूरा नाइग्रा के फ्लावर होते हैं पर्पल कलर्ड होते हैं। इसको मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि आज जिसको एट्रोपिन आता है वो धतूरा को भी याद कर सकता है, ठीक हो गया। अब इसके प्लांट्स के तमाम पार्ट्स पॉइजनस होते हैं, लेकिन जो सीड्स और फ्रूट्स होते हैं सबसे ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, बस मैं ये बात आपने याद रखनी है। इसका एक्टिव प्रिंसिपल यानी जो इस प्लांट के अंदर जो चीज़ होगी, जो मेजर पॉइजन होगा जिसने साइन सिम्टम करवाने हैं, वो धतूराइन है, जिसके अंदर एल्कलॉइड्स, हायोसिन है, हायोसियामीन है, इन सबको भी भूल जाना, लेकिन आपने एट्रोपिन को नहीं भूलना, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है एट्रोपिन, आपको पता है कि एट्रोपिन कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर होता है एसिटाइलकोलाइन, ठीक है, जो M3 मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ओके, इनको ब्लॉक कर देता होता है। ओके, आपको पता है कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे पड़े होते हैं? ब्रेन के अंदर भी पड़े होते हैं। ओके, तो ब्रेन के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? इनिशियली कहती है कि फर्स्ट स्टिमुलेशन करवाता है हायर सेंटर के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, लेकिन फिर इसके बाद डिप्रेशन करवा देता है। फाइनली अगर मेडुला की डिप्रेशन होगी तो फिर रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर के डिप्रेस होने की वजह से एस्फिक्सियल डेथ हो सकती है। साइन सिम्टम क्या होते हैं? इसके साइन सिम्टम को आप छोड़ो, इसके साइन सिम्टम को याद करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल डीज है। फॉर एग्जांपल ड्राइनेस ऑफ माउथ के सिक्रेशन कम हो जाएगी, डिस्फेजिया स्वेलिंग करने में डिफिकल्टी है, डायलेटेड प्यूपल है, क्योंकि आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक ने कंस्ट्रक्शन करानी होती है, डिप्लोपिया है, ड्राई स्किन है, सॉरी डी इस्तेमाल हो रहा है, डिलीरियम है, डराउजीनेस है, डिसआर्थ्रिया है, ड्रेडफुल हेलोसिनेशन है, ड्रंकन गेट है। तो धतूरा की पॉइजनिंग को याद करने वाला जो मेमोनिक था वो इस तरह से याद करते थे, ड्राई एज अ बोन, क्योंकि जो माउथ के अंदर स्लाइवरी सिक्रेशन कम हो जाती है, स्वेट की सिक्रेशन कम हो जाती है, रेड एज अ बीट, क्योंकि फ्लशिंग हो जाती है, फेशियल फ्लशिंग, वेजो डायलेशन हो जाती है, ब्लाइंड एज अ बैट, बंदा अंधा हो जाता है डिप्लोपिया की वजह से, हॉट एज अ हेयर, तो इसकी वजह ये है कि जो थर्मोरेगुलेटरी स्वेटिंग ग्लैंड है
वो सही तरह काम नहीं कर पा रहे होते, वो ब्लॉक हो जाती है इनकी एक्टिविटी। मैड एज अ वेट हैन क्योंकि आपको ड्राउजीनेस, डिसआर्थ्रिया, हेलोसिनेशन देखने को मिलती है। ओके, फेटल डोज इसके तकरीबन 100 से लेकर 150 और जिसका फेटल पीरियड तकरीबन 24 आवर्स होता है। ट्रीटमेंट के अंदर हमेशा पहले आपने उस बंदे को जो पॉइजनिंग वाली एरिया से दूर लेके जाना है, फिर दूसरा काम आपने करना है उसके ABC को स्टेबिलाइज करना, तीसरा आपने गैस्ट्रिक लेवेज और एमेटिक्स वगैरह करवा देना, और लास्ट होता है एंटीडोट्स। एंटीडोट में फाइसोस्टिकबीन या पाइलोकार्पिन इस्तेमाल करते हैं इरोटोपिन के लिए। ठीक है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखें तो जो धतूरा के सीड्स होते हैं उसके स्टोमक के अंदर मिल सकते हैं, GIT के कंजेशन, एसफिक्सियल डेथ देखने को मिल सकती है। इसके सीड्स प्यूट्रीफैक्शन को रेजिस्ट करते हैं, यानी अगर प्यूट्रीफैक्शन अगर हो गया तब भी आपको स्टोमक के अंदर सीड्स देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मली एस्टोपीफाइन पॉइजन है, जैसे चोरी चकारी करने के लिए, ज्यादती वगैरह करने के लिए, बच्चों को अगवा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको रॉट पॉइजन बोलते हैं। बच्चों में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन ये रेयरली यूज एफ्रोडियाजिक पॉइजन, जो सेक्सुअल प्लेयर के लिए जो पॉइजन इस्तेमाल करते हैं, तो मेनली एस्टोपीफाइन पॉइजनिंग वाली कैटेगरी के अंदर आता है, रॉट पॉइजन कहते हैं उसको। तो इस वीडियो के अंदर हमने धतूरा और किसको कवर कर लिया है, OPM को कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।